कल से उत्तराखंड सरकार का मॉनसून सत्र शुरू होगा। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में मॉनसून सत्र होगा। मॉनसून सत्र में 5,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश होगा। देहरादून से सभी मंत्री और अधिकारी हुए गैरसैंण के लिए रवाना। तो कल से देखिए मॉनसून सत्र के उत्तराखंड में शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देहरादून से सभी मंत्री और अधिकारीगण गैरसैंण के लिए रवाना हो चुके हैं। कल से उत्तराखंड सरकार का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में मॉनसून सत्र होगा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मॉनसून सत्र में 5,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश होगा। इसके अलावा और भी ऐसे कई प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। बड़ी संख्या में लोग सीएम धामी को सुनने के लिए पहुंचे। सीएम धामी ने कार्यक्रम में बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी। इसी के साथ रुद्रप्रयाग को सीएम धामी ने कई योजनाओं की सौगात दी। इस रक्षाबंधन पर्व पर आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरा आप सबके बीच में आने का कार्यक्रम था और बहुत प्रयास भी मैंने किया कि किसी तरह मैं आप सबके बीच में पहुंच पाऊं, लेकिन मौसम ठीक नहीं होने के कारण से बीच में ही वापस आना पड़ा। इसलिए वर्चुअल माध्यम से मैं आप सबसे जुड़ रहा हूं। मैं अपनी सभी बहनों को जो यहां पहुंची हैं उन सबको मैं बधाई देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, बड़े बुजुर्गों को, सभी को। और बाबा केदार से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा केदार हमेशा आप सब पर अपना आशीर्वाद बना के रखें, राज्य पर अपना आशीर्वाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के देवी धुरा स्थित मां बाराही धाम में लगने वाले बग्वाल मेले में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मां बाराही मंदिर में घंटी चढ़ाई और राज्य की खुशहाली तरक्की की कामना भी की। मुख्यमंत्री मां बाराही धाम में 4 धाम 7 थोक के बीच फलों फूलों से खेले जाने वाले विश्व प्रसिद्ध पाषाण युद्ध के साक्षी बने। इस वर्ष पाषाण युद्ध करीब 11 मिनट तक चला। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि रीठा में रतिया नदी में बाढ़ सुरक्षा का निर्माण कार्य एवं वैकल्पिक अप्रोच रोड का निर्माण कार्य किया जाएगा। मानसखंड कॉरिडोर के अंतर्गत बाराही मंदिर के छूटे हुए अव्यवस्थापना कार्यों में सम्मिलित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में पेरिस ओलंपिक में प्रतिभाग कर लौटे खिलाड़ियां अंकित ध्यानी, परमजीत सिंह और सूरज पवार ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने पेरिस ओलंपिक्स में प्रतिभाग कर तीनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उन्हें सम्मानित किया। सीएम ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। सूरज पवार ने 42 किलोमीटर रेस वॉक मिक्स्ड रिले, परमजीत सिंह ने 20 किलोमीटर रेस वॉक एवं अंकिता ध्यानी ने 5,000 मीटर में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने तीनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे आगे आने वाली प्रतियोगिताओं में पूरे समर्पण से अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और प्रदेश की जनता उनके साथ है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा सत्र के दौरान अपनी पूरी तैयारी की बात कही है। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि विधायकों के सवालों का जवाब देने के लिए मंत्रियों ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक
सवाल लगाते हैं और उनके सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों से कहा कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से सत्र चलाने में सहयोग करें। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर जनहित के मुद्दों पर जवाब देने से बचने का आरोप लगाया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने विधानसभा के मॉनसून सत्र की अवधि कम होने को लेकर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान सदन के अंदर विधायक सरकार से जनहित के मुद्दों पर सवाल करते हैं। इन सवालों से बचने के लिए सरकार ने सदन की अवधि सीमित की है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, पूर्व में कार्य मंत्रणा समिति की बैठकों का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था क्योंकि सरकार सत्ता के मद में मदमस्त है और कार्य मंत्रणा समिति की बैठकों के अनुरूप सदन की कार्यवाही नहीं चलाई जा रही है। % भी जो है क्या नाम सत्र नहीं आउट करा पा रही है। अरे आप क्या प्रदेश की जो समस्याएं हैं उन पर जो है सदन के अंदर बहस नहीं कराना चाहते हैं क्या? आप चाहते हैं कि सरकार जो है जल्दबाजी में सत्र आउट करे और तमाम विषय से बचते हुए सत्र का सत्र अवसान कर दे? अरे कार्य मंत्रणा है, कार्य मंत्रणा में तय हम करेंगे कि सत्र की अवधि बढ़नी चाहिए, हम ये कोशिश। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंड में 21 अगस्त से 3 दिवसीय विधानसभा का मॉनसून सत्र आहूत होने जा रहा है। मॉनसून सत्र में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को सदन से सड़क तक घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंड में उपवास में बैठने का निर्णय लिया है तो उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने 23 अगस्त को विभिन्न मुद्दों को लेकर गैरसैंड विधानसभा घेराव करने का फैसला किया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि 23 अगस्त को कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता गैरसैंड में प्रदर्शन करने जा रही हैं, जिसमें अहम मुद्दा महिला सुरक्षा के साथ महिला आरक्षण और अग्निवीर बेरोजगारी जैसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर गैरसैंड विधानसभा का घेराव किया जाएगा। 23 अगस्त को विधानसभा का घेराव कर रहे हैं और हमारी सरकार से जो पहली मांग है वो है जो उत्तराखंड में लगातार महिलाओं के ऊपर बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं उनकी सुरक्षा के लिए हमारी पहली मांग सरकार से ये है कि जो उत्तराखंड में महिलाओं के ऊपर बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही उसके लिए सख्त से कदम बनाए जाए। हर जगह चाहे रेलवे स्टेशन है चाहे बस स्टेशन है उनको CCTV कैमरे लगाने चाहिए, महिला सुरक्षा बल उन लोगों को वहाँ पर लगानी चाहिए। ये हमारे पूरी देवभूमि के लिए बहुत शर्मनाक घटना है कि हमारे प्रदेश में इस तरीके की घटना घटती है। हमारा दूसरा मुद्दा है कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर पूंजीपतियों को संरक्षण देने जाने और विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इसको लेकर 22 अगस्त को विशाल धरना प्रदर्शन के साथ ही ED कार्यालय का घेराव किया गया, इसका ऐलान कर दिया गया है। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कार्यक्रम की सफलता के लिए वरिष्ठ नेताओं को जिला प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। इसमें देहरादून महानगर में पूर्व मंत्री प्रसाद नेथानी और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, हरिद्वार में पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवार और इसके अलावा परवादून में पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत मौजूद। देहरादून में ISBT परिसर में परिवहन निगम की बस में एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई जिसमें बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सामाजिक ऑडिट की जरूरत है, साथ ही घटना समाज को शर्मसार कर देने वाली है। उन्होंने ISBT परिसर में सुरक्षा में चूक और बस में पैनिक बटन और CCTV कैमरे में कमियों की ऑडिट कराने की बात कही। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने परिवहन विभाग के 5 कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। मुरादाबाद की रहने वाली, उसके परिवार को पूरी तरह से लोकेट कर लिया गया है और वहां पर भी वो शोषण का, हर तरह के शोषण का शिकार रही है बचपन से।
उपेक्षित भी है और प्रताड़ित भी है, इसलिए वो बार बार घर से भागती है। ये पहली बार नहीं है कि वो घर से, अभी तक क्या होता था कि वो आसपास जाती थी। तो मुझे नहीं लगता है, अभी हम उसका आईक्यू असेसमेंट वगैरह कराएंगे वैसे, पर मुझे नहीं लगता कि वो बहुत नीम है बुद्धि से। वो प्रताड़ित होके जो मानसिक आघात है ना, उन्होंने उसको ज़्यादा मानसिक रूप से ऐसा कर दिया है। वो आसपास भागती थी और पकड़ लाते थे घर वाले उसको, तो इस बार वो दूर की बस में बैठना चाहती थी। और जब वो बस को ढूंढ रही थी तो ये वाला जो हमारे, ये क्या कहूँ मैं उन्हें, उन्होंने उसको जानबूझ के देहरादून, क्योंकि वो देहरादून की बस में आ रहा था, उसने कहा कि तुम्हें ऐसे ऐसे रास्ता मैं बताऊँगा और तुम्हें दूर भेज दूंगा, तो वो उसको देहरादून की बस में ले आया। अल्मोड़ा के विकास खंड सियालदे के देघात में 19 अगस्त 1942 को आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हरिकृष्ण उप्रेती और हीरामणि पडौला की याद में शहीद दिवस पर वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग शहीद स्मारक देघाट पहुंचकर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। शहीद स्मारक देघाट पहुंचकर शहीदों को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा और पूर्व विधायक प्रत्याशी गंगा पंचोली, पूर्व युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनंत रावत सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। पिछले कुछ समय में उत्तराखंड में बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। भले ही इसमें से कई घटनाएं ऐसी हैं जो उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों की ओर से आकर अंजाम दी गई हों, और पीड़िता भी उत्तराखंड की ही नहीं, बावजूद इसके सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर ऐसी घटनाएं प्रदेश में घट क्यों रही हैं। वहीं कांग्रेस ने अब बंगाल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी ऐसी घटनाओं की CBI जाँच करने की मांग कर दी है। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा ने कहा कि जिस तरह से यह घटनाएं सामने आई हैं, उसने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में जिस तरह से बंगाल में CBI जांच की मांग हो रही है, उसी तरह उत्तराखंड में भी ऐसी घटनाओं की CBI जांच होनी चाहिए। खत्म होने वाली जो सिलसिला दिखाई पड़ रहा है, अगर अभी भी कानून व्यवस्था मुस्तैद नहीं हुई, अभी भी नीति नियंताओं की ये समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है समाज में, डर भय रसूख क्यों ख़त्म हो रहा है पुलिस प्रशासन का, क्यों जगह जगह से क्राइम की रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी हम रुद्रपुर की नर्स और ISBT की जो किशोरी है उसके गैंग रेप और दूसरे हादसों से उभरे भी नहीं थे कि हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल से किशोरी के साथ दुष्कर्म के प्रयास की खबरें आ रही हैं। उसके अलावा पिथौरागढ़ में चौकीदार के द्वारा एक नवी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ छेड़खानी और लोहे के डंडे से पिटाई की खबरें आ रही हैं। उधर एक वन कर्मी के साथ शराब पीकर युवकों ने मार पिटाई कर दी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नज़ीर पेश नहीं हो रही। मैं यहाँ पर एक बड़ी बात कहना चाहती हूँ कि कोलकाता में अगर CBI जांच हो सकती है महिला डॉक्टर के बलात्कार और मर्डर। और वहीं उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि भारतीय सूचना क्रांति के जनक, पंचायती राज सशक्तिकरण के सूत्रधार एवं आधुनिक भारत के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। सशक्त भारत के निर्माण में राजीव जी के अमूल्य योगदान को सदैव स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तो देखिए, उन्होंने लिखा कि आगे विधानसभा जसपुर के युवा ऊर्जावान हरदिल अजीज व जनप्रिय विधायक मेरे परम आदरणीय मित्र आदेश सिंह जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं बाबा बद्री केदार जी से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की कामना करता हूं। यह प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के करण महारा, जिन्होंने ट्वीट किया। विकास नगर से खबर सामने आ रही है, जहां उफनती नदी के बीच 5 लोग फंस गए, साथ ही 5 मवेशियों को भी SDRF और स्थानीय पुलिस ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। दरअसल सहसपुर की पीपरपुर के ग्रामीण अपने जानवरों के साथ आसन नदी पार कर रहे थे, तभी अचानक नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया और सभी लोग फंस गए।
फिलहाल सभी को बाहर निकाल लिया गया है। हल्द्वानी में बादल फटने से मची तबाही से लोगों के घरों में भारी मलबा घुस गया। बारिश और अतिवृष्टि के चलते आमखड़ी नाले की दीवार ध्वस्त होने के बाद कई इलाकों में भारी जल भराव और मलबा आ गया। इस मलबे की चपेट में कई वाहन आकर क्षतिग्रस्त हो गए, साथ ही लोगों के घरों के अंदर गंदा पानी और मलबा घुस गया। वहीं प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्यों में जुट गया। वर्तमान में जहां राजस्व विभाग के कर्मचारी नुकसान का आकलन कर आर्थिक सहायता की चेक बांट रहे हैं, तो वहीं नगर निगम जेसीबी अन्य कर्मचारियों के माध्यम से सड़कों में आए मलबे की सफाई में लगा हुआ है। लगभग 7 बजे के करीब और आमखड़ी नाले की एक दीवार टूट गई थी, जिससे भारी मात्रा में मलबा और पूरा पानी ये कृष्णा विहार, गायत्री विहार और इस क्षेत्र में भर गया था। सुबह से रात भी बचाव कार्य शुरू कर दिए गए थे। रात ही पोकलैंड मशीन और जेसीबी मशीनें लगा दी गई थी। वर्तमान में भी पोकलैंड मशीन से दीवार निर्माण का कार्य चल रहा है और मलबा शिफ्टिंग का काम भी चल रहा है। इसके अलावा नगर निगम की टीमें रास्तों की सफाई करने में लगी हुई हैं। राजस्व विभाग नानक सागर डैम में अपने दोस्तों के साथ नहाने गए युवक की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। आसपास के लोगों की मदद से युवक के शव को बाहर निकाला गया। वहीं पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक के डूबने की एक वीडियो उसके दोस्त के कैमरे में कैद हो गया। वहीं देहरादून में नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का तून पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें पुलिस ने पंजाब के 2 शातिर नकाबचरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 41 लाख रुपए के मूल्य के आभूषण, विदेशी करेंसी और अन्य सामग्री बरामद कर ली गई है। थाना नेहरू कॉलोनी में 16/17 की रात है, अजबपुर कला में श्री गोसाई जी रहते हैं, जिनके घर में चोरी की वारदात हुई थी और इनके यहाँ से 60,000 कैश और करीब करीब उन्होंने जो लिखाया था उसमें 30-32 लाख रुपए की ज्वेलरी जो बताई थी उन्होंने, उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना थी, इतनी बड़ी मतलब इसमें जुर्माने जो मूल्य था बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसके दौरान ही जब हमारी टीम काम कर रही थी इस पर, तो मुखबिर के माध्यम से मैनुअली पता चला, चूँकि वहाँ कहीं CCTV नहीं था, कि सपेरा जाति के लोग जो है यहाँ पर काफ़ी दिनों से घूम रहे हैं यहाँ पर, और चूँकि इस तरह के कुछ जाति के लोग पहले भी अपराध में लिप्त रहे हैं। खबर गदरपुर से है, जहां आवास विकास गदरपुर के वेद प्रकाश अरोड़ा ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। गदरपुर पुलिस और SOG टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए 2 शातिर चोर को माल के साथ गिरफ्तार किया। अब पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी कर ली है। देखिए, वेद प्रकाश कक्कड़ जी हैं, जो कि आवास विकास कॉलोनी गदरपुर के निवासी हैं। इनके द्वारा थाना प्रभारी गदरपुर को सूचना दी गई थी कि ये किसी आवश्यक काम से अपने घर से बाहर गए थे और जब ये वापस आए तो इनको द्वारा देखा गया 8 तारीख को कि इनके घर में चोरी हो गई है। तो इनके जो तहरीर थी जिसमें लाखों रुपए कैश और लाखों रुपए की ज्वेलरी गई थी, हमने अभियोग पंजीकृत करके और इसमें थाना प्रभारी गदरपुर के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी, जिसमें हमारे 2 सब इंस्पेक्टर जो कि गदरपुर थाने के हैं, सब इंस्पेक्टर बसंत और मुकेश, और इसी तरीके से SOG प्रभारी हमारा जो प्रकाश है, सब इंस्पेक्टर प्रकाश। उत्तराखंड के पौड़ी में रिखड़ी खाल ब्लॉक के कोटा गांव में एक 6 साल के बच्चे को गुलदार ने नवाला बना लिया। गुलदार बच्चे के घर के आंगन से उठा ले गया। घटना के बाद से परिजनों में मातम छा गया है। वहीं लोग कुठेर कथा समेत आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों ने बच्चे की तलाश में जंगल और आसपास के क्षेत्र में रात को बच्चों की तलाश शुरू कर दी। देखिए, मेरी विधानसभा करोड़गढ़ नेशनल पार्क से लगी हुई और 3 तरफ वन आच्छादित है, और मैं समझता हूं कि जो घटना कल हुई है कोटा गांव में, जो ये छोटे से बच्चे को माँ के सामने कमरे से बाघ खींच के ले गया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हम पहाड़ के लोगों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, और मैं सारी जनता आक्रोशित है, और मैंने अभी वाइल्ड लाइफ चीफ से कहा है कि इसे तुरंत इसके मारने का आदेश किया जाए, वहाँ पिंजड़े लगाए जाएँ और भविष्य। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नर्स हत्याकांड के बाद लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच मृतका नर्स के परिजनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गैरसैंड में धरना देने जा रहे थे, तभी गदरपुर पुलिस ने गैरसैंड जाने से बैरिकेडिंग लगाकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और मृतका के परिजन सड़क पर ही धरना प्रदर्शन करने लगे। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाराज ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इस दौरान धक्का मुक्की भी देखने को मिली। हरिद्वार में हाई फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 4 युवक आपस में बात करते हुए नजर आ रहे हैं,
तभी एक युवक ने पिस्टल निकालकर हवाई फायरिंग करता हुआ दिखाई दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रानीपुर पुलिस जांच में जुट गई।